हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोकला प्लाजा। मैं हूं अंतरा और आज मैं बनाने जा रही हूं ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो चलिए आज मैं अपने तरीके से आप लोगों को ब्रेड ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी। तो ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसको देख लेते हैं। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए मैंने लिया है 2 ब्रेड, 2 अंडा, आधा कप बारीक कटी हुई टमाटर, आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटी हुई प्याज, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून रिफाइंड तेल, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा टेबल चम्मच नमक, 1 टेबल चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 पिंच हल्दी पाउडर। एक बाउल में मैंने 2 अंडे को ले लिया है। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और हरी मिर्च को डाल देंगे। अब इसमें मसाले को डालेंगे, आधा टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर और आधा टेबल चम्मच नमक डाल के अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब एक तवे को गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टेबल चम्मच रिफाइंड तेल को डाल देंगे। तेल अभी गर्म हो गई है। अब तैयार किया हुआ अंडे का जो मिश्रण है उसको डाल देंगे। एक फोक के सहारे हम अंडे को अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब एकदम लो फ्लेम में हम 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। अगर आप लोग नॉनस्टिक तवा का यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तैयार होगी। 10 मिनट हो गई है। अब इसके ऊपर 2 ब्रेड को डाल देंगे और ब्रेड को एडजस्ट कर देंगे इसके साथ। अब 2 ब्रेड को अलग कर देंगे। अब इसके बीच में से हम कट कर देंगे अंडे को। और ब्रेड के साथ अंडे को अच्छी तरह से लगा देंगे ऐसे, और ऐसे हम ब्रेड को पलट देंगे। तो लीजिए, बहुत ही जल्दी बहुत ही झटपट तैयार हो गई है ब्रेड ऑमलेट। इसको आप लोग तुरंत गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप लोग मन पसंदीदा चटनी के साथ या गर्मा गर्म चाय के प्याले के साथ सर्व कीजिए। ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने जीमेल अकाउंट से यूट्यूब में लॉग इन करके आप लोग नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगती है। और मेरी रेगुलर वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू।